भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के लिए जिला भर के बाजार सज चुके हैं। वैसे ही हमीरपुर बाजार की सारी दुकानें राखियों से सज गई हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें दुकानों में पहुंचकर खरीदारी कर रही हैं। बहनें छोटे भाइयों के लिए ज्यादातर सॉफ्ट टेडी वाली राखी ही पसंद कर रही हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के लिए जिला भर के बाजार सज चुके हैं। वैसे ही हमीरपुर बाजार की सारी दुकानें राखियों से सज गई हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें दुकानों में पहुंचकर खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में दुकानदारों की ओर से राखी बेचने के लिए दुकान के बाहर स्पेशल स्टॉल भी लगाए गए हैं। 10 रुपये से लेकर 350 की राखी उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए स्पेशल सॉफ्ट टेडी वाली राखी बाजार में उपलब्ध है। बहनें छोटे भाइयों के लिए ज्यादातर सॉफ्ट टैडी वाली राखी ही खरीद रही हैं। इसके साथ दुकानों में ब्रेसलेट वाली राखी की काफी डिमांड है। दुकानों में भीड़ लगने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। दूसरी तरफ मिठाई की दुकानें भी सजना शुरू हो गई हैं। राखी बांधने के बाद बहनें भाइयों का मुंह मीठा करवाती हैं। बहनें खरीदारी करने के लिए बाजार पहुँच रही हैं। इस त्योहार को लेकर खासकर बच्चों में खासा उत्साह रहता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 15 अगस्त को है। 15 अगस्त के दिन छुट्टी होने के चलते भाई राखी बंधवाने के लिए घरों पर ही उपलब्ध होंगे। भाई और बहनों का ये पवित्र त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें नए नए परिधानों में भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधते हैं। वहीं भाई भी खुश होकर बहनों को विभिन्न उपहार प्रदान करते हैं। देखो जी, रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार है। आपस में भाई बहनों का जो प्यार है उसको दिखाता है। और इस बार का जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंस डे भी है और रक्षाबंधन भी है। दोनों त्यौहार हमारे एक ही दिन में। तो अपने भाइयों को तो मैं राखी बांधूंगी ही, और बाकी जो बॉर्डर के ऊपर हमारे भाई हैं, हमारे सैनिक जो दिन रात हमारी रक्षा, मैं उनके लिए बोलूँगी। वो तो मतलब कि हमारे भाई तो हमारी रक्षा करते हैं, पर उनसे भी प्रिय रिश्ता हमारा उनके साथ है जो बॉर्डर के ऊपर रात दिन हमारी रक्षा करते हैं। तो उनके लिए भी मैं स्वतंत्रता दिवस की भी उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, और रक्षाबंधन की भी मैं उनको हार्दिक, क्योंकि आप ही हमारे रियल में जो है ब्रदर, उनके लिए भी मैं रक्षाबंधन के लिए खास 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 बधाई देती हूँ जी। रौनक तो काफ़ी अच्छी है, मार्केट तो काफ़ी भरा भरा है, बाजार भी अच्छा है, सजा हुआ है। बाकी सेल नहीं हो रही इतनी जितनी उम्मीद थी सेल की होने की। हाँ जी, इस बार जो है वो लोग किस तरह की, कौन सी राखी ऐसी हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग? मैम, इस बार थोड़ी कॉस्टली राखी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। धागे दुगों में क्रेज़ कम हो रहा है लोगों का। जो पहले लेते हैं छोटे रेशम वाले धागे, उनमें क्रेज़ कम हो रहा है लोगों का। इस बार जो राखी जो है, क्या रेंजेस हैं उसकी राखी की? हार्डली 50-100 तक की राखी ज़्यादा चल रही है जी। अच्छी रौनक है जी। और आपने किस किस तरह से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वाली है? कोई 10 रुपये की, 20 रुपये की भी है, 30 रुपये की है, 40 रुपये की है, अलग रेटों वाली है। कोई बादाम वाली है, कोई छुहारे वाली है, कोई दाखों वाली भी है। तो इस बार जो है वो जो लड़कियां हैं वो किस तरह की, कौन सी ऐसी राखी है जिनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? वाले ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे भैया, ओम वाली पसंद कर रही हैं, ऐसे वाले वाले पसंद कर रही हैं। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो कैसी राखी पसंद कर रही हैं? सूती राखी पसंद कर रही हैं। सूती 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 राखी होती है, एक राखी बहुत पसंद ज़्यादा करती हैं सूती वाली। किस किस रेंज तक आपने यहाँ पर राखियाँ लगाई हैं? 5 रुपये से लेकर 40 रुपये तक हैं जी। 5 से 40 तक हैं। सस्ती राखी अच्छी है, काफ़ी जोर वो लकड़ी बिक रही है। 2-4 दिन बरखा हुई, बरखा से लकड़ी बिकी नहीं, आज थोड़ा कुछ अच्छा चला हुआ है।